नेक्स्ट नेक्स्ट टाइप हमारे पास आता है मॉर्फोलेक्सिस रीजनरेशन. मॉर्फोलेक्सिस रीजनरेशन क्या होता है, लेट्स टॉक अबाउट दिस. ये हमारा सेकेंड मोड ऑफ रीजनरेशन है. पहला हमने देखा स्टेम सेल मीडिएटेड रीजनरेशन, जो पहला टाइप था. अगला टाइप है मॉर्फोलेक्सिस रीजनरेशन. मॉर्फोलेक्सिस रीजनरेशन क्या होता है, मॉर्फोलेक्सिस रीजनरेशन में जो है जो डैमेज हो रहा है या फिर जो लॉस्ट हो रहा है उसमें क्या होता है, वहां पे जो है रीपैटर्निंग हो जाती है एग्जिस्टिंग टिश्यू की. ठीक है, रीपैटर्निंग ऑफ एग्जिस्टिंग टिश्यू को हम कहते हैं ट्रांस डिफरेंसिएशन, यानी एक ऐसा डिफरेंसिएशन प्रोसेस जिसमें कि डायरेक्टली चेंज हो जाता है. डायरेक्टली चेंज यानी जो चीज लॉस्ट हुई है वही चीज वापस से चेंज करके बना दी जाएगी. और इस टाइम पे क्या हो जाता है, इस टाइम पे रीपैटर्निंग किया जाता है, यानी जो चीज गड़बड़ हुई है उसको वापस से उसी पैटर्न से ठीक किया जाएगा. रीपैटर्निंग होता है एग्जिस्टिंग टिश्यू का, जहां पे आपको ग्रोथ जो है बहुत ही थोड़ा देखने को मिलेगा. दैट इज देयर विल बी लिटिल न्यू ग्रोथ, बहुत ज्यादा ग्रोथ देखने को नहीं मिलेगा, बहुत कम बहुत थोड़ा सा ग्रोथ देखने को मिलता है. सो मॉर्फोलेक्सिस रीजनरेशन अकर थ्रू द रीपैटर्निंग ऑफ एग्जिस्टिंग टिश्यू कॉल द ट्रांस डिफरेंसिएशन एंड देर इज अ लिटिल न्यू ग्रोथ. ऐसा केस जो है आपको हाइड्रा के केस में देखने को मिलेगा, यानी इस टाइप का रीजनरेशन आपको हाइड्रा के केस में देखने को मिलेगा और जेब्रा फिश के हार्ट में देखने को मिलेगा. तो ट्रांस डिफरेंसिएशन इज नथिंग बट इट इज जस्ट अ डायरेक्ट कन्वर्जन ऑफ लॉस्ट पार्ट इनटू द प्री एग्जिस्टिंग वन. जैसे देखिए ये रहा प्रायर टू इंजरी, प्रायर टू इंजरी यानी चोट लगने से या डैमेज होने से पहले ऐसा था. ठीक है, अब डैमेज हो गया, डैमेज होने के बाद देखिए इसका आफ्टर इंजरी ये हाल हुआ, उसके बाद वापस से जो है स्मॉल अमाउंट जो है रीजनरेट हुआ और वापस से वैसा ही बन गया जैसा ये पहले था. तो इसको हम बोलते हैं मॉर्फोलेक्सिस रीजनरेशन. जैसे कि फॉर एग्जांपल ये हाइड्रा देखिए, हाइड्रा में जो है मॉर्फोलेक्सिस रीजनरेशन जो है बहुत ही प्रीडोमिनेंट तरीके से देखा जाता है. इसमें देखिए आपने क्या किया, हाइड्रा के ये दो पार्ट को कट करके निकाल दिया. ठीक है, ये पार्ट और ये पार्ट. अब आप वेट करोगे तो ये दोनों ही पार्ट से जो है एक कंप्लीट जो है हाइड्रा बन के रेडी हो जाएगा, लेकिन वो जो हाइड्रा बनेगा उनकी थोड़ी हाइट छोटी हो. ठीक है, तो यहां पे भी आपको जो है हाइड्रा के केस में मॉर्फोलेक्सिस रीजनरेशन मिल रहा है. अब पैटर्निंग को ध्यान रखना है, क्योंकि मॉर्फोलेक्सिस का मतलब भी हो गया यहाँ पे रीपैटर्निंग होगी एग्जिस्टिंग टिश्यू में और थोड़ा सा ग्रोथ देखा जाएगा नया. ओके, इतना ही नहीं, मैंने आपको बोला हाइड्रा में मॉर्फोलेक्सिस रीजनरेशन होता है, लेकिन रीसेंट स्टडी के अकॉर्डिंग पता चला है कि हाइड्रा में जो है तीनों टाइप के रीजनरेशन होते हैं. यानी हाइड्रा में आपको स्टेम सेल मीडिएटेड रीजनरेशन भी देखने को मिलेगा, इसमें मॉर्फोलेक्सिस भी मिलेगा, इसमें एपिमॉर्फोसिस भी मिलेगा. तीनों ही टाइप के रीजनरेशन हाइड्रा शो करता है, ये रीसेंट स्टडी से सामने आया है. पहले मॉर्फोलेक्सिस शो करता था, इस चीज को लेके बहुत लंबे टाइम तक श्योरिटी रही और उसी को हमने लेकर पढ़ा. लाइक अभी 9th 10th एडिशन में देखोगे ना गिलबर्ट के, उसमें हाइड्रा के बारे में सिर्फ मॉर्फोलेक्सिस ही दिया है, लेकिन जो लेटेस्ट एडिशन है 11th 12th एडिशन, उसमें इस चीज को बदल दिया गया है और बोला गया है कि हाइड्रा में ये तीनों टाइप के रीजनरेशन देखे गए हैं. क्योंकि रिसर्च रुकती तो है नहीं, कंटिन्यूस चलती रहती है. अब उस रिसर्च के दौरान जो है बहुत सी चीजें सामने आती हैं, तो यही चीजें सामने आई कि हाइड्रा में तीनों ही टाइप के रीजनरेशन देखने को मिलते हैं. ठीक है, ऑल थ्री टाइप जो है देखने को मिलता है. अब हाइड्रा के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन जान लेते हैं. ओके, आई थिंक ये है हाइड्रा आपके सामने. ठीक है, हाइड्रा जो है एक तरीके से फ्रेश वाटर निरेरियन है. इसके पास ऊपर वाला पार्ट जो है इसको हम बोलते हैं एपिकल पार्ट, जो कि होता है हेड एरिया. यहाँ पे आपका, यहाँ पे जो है हाइड्रा का हेड मिलेगा. और नीचे वाला पार्ट होता है जिसे हम बोलते हैं बेसल एरिया, जहां पे फुट होता है. तो अगर कोई चीज यहां से शुरू हो रही है, हम क्या बोलते हैं कि जो बेस पार्ट है वो प्रॉक्सिमल पार्ट है और जो हेड वाला पार्ट है वो डिस्टल पार्ट है, दूर का पार्ट है. हाइड्रा एक डिप्लोब्लास्टिक एनिमल है, मतलब कि इसके पास सिर्फ दो जर्म लेयर पाई जाती है, यानी ये सिर्फ एक्टोडर्म और एंडोडर्म होता है इनमें. इनमें मेसोडर्म नहीं होता, दे लैक मेसोडर्म. इनका रिप्रोडक्शन जो है एसेक्सुअल मोड से होता है, यानी बर्डिंग के द्वारा भी होता है और सेक्सुअल मोड से भी देखने को मिल सकता है. अपार्ट फ्रॉम दिस, इनमें जो एंडोडर्म एंड एक्टोडर्मल सेल पाई जाती है वो मेनली दे आर यूनिपोटेंट प्रोजेनाइटर सेल,
और ये डिवाइड कंटिन्यूसली डिवाइड करती है ताकि और भी लीनिएज फॉर्म कर सके और आगे चल के जो डिजायरेबल इनका फेट होगा उसे ये गेन कर सके। इनमें देखा जाता है कि ये जो आप देख पा रहे हो ये जो स्ट्रक्चर है इसका हेयर लाइक, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम डेंटिकल्स भी कह सकते हैं, सॉरी टेंटिकल्स कह सकते हैं इसको। और ये जो टेंटिकल्स होता है ये क्या करता है, ये मेनली हेड सेक्शन में प्रेजेंट रहता है और ये मेनली क्या करेगा, ये फूड को कैप्चर करने में मदद करता है। तो इस तरीके से हमने देख लिया फूड पार्ट, ठीक है, टेंटिकल्स वाला पोर्शन दैट इज हेड पार्ट, और फूड पार्ट को जो है हम एक तरीके से जो है बेसल डिस्क भी कहते हैं, बेसल डिस्क, और हेड पार्ट को हम एपिकल पोर्शन भी कहते हैं। तो ये सारे कुछ नाम हो गए जो कि आपको ध्यान में रखने हैं। अब इन सारे वर्ड को, ये जो दो वर्ड है बेसल डिस्क एंड हेड या एपिकल पार्ट, इसको हम बार 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 यूज करेंगे क्योंकि इसी से रिलेटेड जो है हमें एक्सपेरिमेंट देखना है। तो एक बेसिक स्लाइड है आपके लिए हाइड्रा का। अच्छा, उसके बाद क्या किया गया, हाइड्रा पे एक्सपेरिमेंट किया गया और देखा गया 1941 में जो है ट्रेम्बले ने ये काम किया, ही फाउंड दैट कि उन्होंने हाइड्रा को 40 पीसेस में डिवाइड कर दिया था, 40 पीसेस में हाइड्रा को काट दिया था और उन्होंने ये देखा कि सारे 40 पीसेस से जो है नए हाइड्रा बन गए, दैट इज ईच पीस वुड रीजनरेट अ हेड एट इट्स ओरिजिनल एपिकल एंड एंड फुट एट द ओरिजिनल बेसल एंड। हर एक 40 पीस ने नया नया हाइड्रा बना दिया, जहां पे हेड सेक्शन होना चाहिए था वहां पे हेड बना, जहां पर टेल सेक्शन होना चाहिए था वहां पे टेल बना, यानी जहां पे फुट होना चाहिए था वहां फुट बना, जहां हेड होना चाहिए था वहां पे हेड बना, ठीक है। सो एवरी पोर्शन ऑफ हाइड्रा बॉडी कॉलम अलोंग द एपिकल बेसल एक्सिस इज पोटेंशियली एबल टू फॉर्म बोथ द हेड एंड द फुट। अब इसी से आप सोचिए कि हाइड्रा में रीजनरेट करने की कैपेबिलिटी कितनी ज्यादा होगी, राइट? ओके, अब इससे रिलेटेड कुछ एक्सपेरिमेंट सामने आए। होता क्या है कि हेड सेक्शन में जो है, हेड सेक्शन में हाइड्रा के एक रीजन पाया जाता है जिसे हम बोलते हैं हाइपोस्टोम, ठीक है, हाइपोस्टोम होता है हेड सेक्शन में और बेसल डिस्क होता है फूड सेक्शन में। तो बेसल डिस्क एट फूड सेक्शन एंड हाइपोस्टोम एट हेड सेक्शन। हाइपोस्टोम हेड का स्पेसिफिकेशन करने में मदद करेगा, बेसल डिस्क फुट का स्पेसिफिकेशन करने में मदद करेगा। तो क्या किया गया, देखिए यहाँ पे ये एक हाइड्रा है, हाइड्रा वन, ये है हाइड्रा टू। क्या किया गया, हाइड्रा वन से हाइपोस्टोम लेकर दूसरे हाइड्रा के बॉडी के मिडिल पार्ट में जो है ट्रांसप्लांट कर दिया गया हाइपोस्टोम, और रिजल्ट क्या मिला, रिजल्ट ये मिला कि एक और बेबी हाइड्रा जो है जहां पे ट्रांसप्लांटेशन हुआ था वहां से एक और बेबी हाइड्रा बन गया। जब एक और बॉडी एग्जिस्टिंग बॉडी में बनती है तो हम इसे कहते हैं सेकेंडरी एक्सिस। ये एक नया टर्म है जो आप सुन लीजिए, इसके बाद अभी ये यूज होता रहेगा हर एक चैप्टर में। जब भी एक नया एक्सिस एग्जिस्टिंग बॉडी एक्सिस पे बन जाए, जैसे कि ये जो बॉडी है ये रही प्राइमरी एक्सिस, इसी पे एक और बॉडी देखिए बन जा रही है यहाँ पे, छोटी ही क्यों ना सही, इसे हम कहेंगे सेकेंडरी एक्सिस। ये जो सेकेंडरी एक्सिस था इसमें जो है एपिकल पोर्शन बाहर की तरफ निकला हुआ था, सेकेंडरी एक्सिस बना लेकिन एपिकल यानी हेड वाला सेक्शन बाहर की तरफ निकला हुआ था। सो दैट इज व्हाट मेंशन व्हेन द हाइपोस्टोम टिश्यू फ्रॉम वन हाइड्रा इज ट्रांसप्लांटेड इनटू द मिडिल ऑफ अनदर हाइड्रा, द ट्रांसप्लांटेड टिश्यू फॉर्म अ न्यू एपिकल बेसल एक्सिस। ये जो नया बना है ये क्या बना है, ये रहा एपिकल एक्सिस, ये रहा बेसल एक्सिस, यानी इसका जो बेसल डिस्क है ना वो इसके साथ ऐसे करके मिक्स हो गया, ठीक है, विद दी हाइपोस्टोम एक्सटेंडिंग आउटवर्ड। और इसमें जो है ऑब्वियसली अब इसके पास भी हाइपोस्टोम होगा यहाँ पे कुछ, तो ये जो हाइपोस्टोम है वो बाहर की तरफ एक्सटेंड करेगा। हाइपोस्टोम टिश्यू ग्राफ्टेड ऑन टू द होस्ट ट्रंक इंड्यूसेस द सेकेंडरी एक्सेस विथ एक्सटेंडेड हाइपोस्टोम। तो हाइपोस्टोम वाला पोर्शन बाहर की तरफ रहेगा और इसे हम कहते हैं सेकेंडरी एक्सेस का बन जाना। अब यही वाला काम थोड़ा सा और अलग तरीके से किया गया। अब क्या किया गया, बेसल डिस्क वाला जो टिश्यू है उसे ट्रांसप्लांट किया गया दूसरे हाइड्रा के मिडिल सेक्शन में,
ये देखने के लिए कि हेड में पाया जाने वाला हाइपोस्टोम जब हमने ट्रांसप्लांट किया तो क्या रिजल्ट निकला। अब हम फुट में पाया जाने वाला बेसल डिस्क का जो टिश्यू है उसे ट्रांसप्लांट करेंगे तो क्या होगा। जब उसे ट्रांसप्लांट किया तो अगेन यहां पे सेकेंडरी एक्सिस बना, लेकिन इसकी पोलैरिटी डिफरेंट थी। पोलैरिटी डिफरेंट कैसे थी देखिए, तो मुझे बताएगा कैसे डिफरेंट पोलैरिटी। इसमें क्या था, इसमें बेसल डिस्क बाहर की तरफ एक्सटेंड था और एपिकल पोर्शन अंदर की तरफ मिक्स हो गया था। तो व्हेन द बेसल डिस्क इज ग्राफ्टेड ऑन टू द मिडल ऑफ द होस्ट हाइड्रा अ न्यू एक्सिस ऑल्सो फॉर्म बट विद द अपोजिट पोलैरिटी एक्सटेंडिंग द बेसल डिस्क। यानी बेसल डिस्क जो है वो बाहर की तरफ एक्सटेंड कर रहा है। दोनों ही केसेस में सेकेंडरी एक्सिस बना है, यानी एग्जिस्टिंग बॉडी में एक नई बॉडी बन गई है, लेकिन कौन सा पार्ट बाहर है वो मैटर करता है। अगर हाइपोस्टोम आपने ग्राफ्ट किया है तो हाइपोस्टोम वाला पार्ट बाहर होगा, बेसल डिस्क आपने ग्राफ्ट किया है तो बेसल डिस्क वाला पार्ट बाहर होगा। When the basal disc tissue grafted onto the host trunk induces a secondary access with the extended basal disc, जबकि ऊपर में क्या था, ऊपर में था extended hypostome. Easy? समझ में आ रहा होगा hopefully. Okay. Next. ये तो हो गया ये दो experiment कि क्या किया गया। उम्मीद करती हूं आपको समझ में भी आ गया होगा कि किया क्या गया है इसके साथ। नेक्स्ट देखिए क्या किया गया। व्हेन द टिश्यू फ्रॉम बोथ द एंड, तब क्या किया गया, हाइपोस्टोम भी ले लिया गया और बेसल डिस्क भी ले लिया गया। आर ट्रांसप्लांटेड साइमल्टेनियसली, और दोनों को एक साथ लेकर होस्ट के मिडिल पोर्शन में जाकर ट्रांसप्लांट कर दिया गया। यानी कुछ ऐसा, ये देखिए थर्ड वाला, ये देखिए हाइपोस्टोम भी ले लिया गया यहां से और बेसल डिस्क भी ले लिया गया, दोनों को एक साथ जो है मिडल पोर्शन में होस्ट के ट्रांसप्लांट कर दिया गया। अब इसके रिजल्ट मिलने के तीन चांसेस हो सकते हैं, यानी तीन तरीके का हमको रिजल्ट मिल सकता है और ये वैरी कर सकता है विद टाइम। वैरी करने का कोई खास रीजन दिया नहीं है, बोला गया है कि हाइपोस्टोम को जब हम मिक्स करके डालते हैं ना तो हमको जो है तीनों में से एक रिजल्ट मिल सकता है एट अ टाइम। हमको जो है वीक इंडक्शन मिलेगा, जिसमें कि हमें जो है एपिकल इंडक्शन वीक मिलेगा, यानी यहाँ पे हेड सेक्शन वाला पोर्शन फॉर्म होगा लेकिन पूरा फॉर्म नहीं होगा, बहुत ही वीक इंडक्शन होगा। दिस और कोई भी इंडक्शन नहीं होगा, क्योंकि बेसल ने हाइपोस्टोम को इनहिबिट कर दिया, हाइपोस्टोम ने बेसल को इनहिबिट कर दिया, हेंस नो इंडक्शन एट ऑल। या फिर तीसरा रिजल्ट ये मिल सकता है कि हमें वीक बेसल इंडक्शन मिल सकता है, यानी बेस वाला पार्ट थोड़ा सा बने उसके बाद रुक जाए। इन तीनों में से कोई भी एक रिजल्ट हमको एट अ टाइम मिल जाएगा। तो यहाँ पे वही चीज बोली गई थी थर्ड वाले एक्सपेरिमेंट में, that when the tissue from both the end was transplanted simultaneously in the middle of the host, either no new axis is formed, या तो कोई भी नया axis form नहीं करेगा, या तो new axis जो form हो करेगा उसके पास little polarity होगी, यानी बहुत छोटी सी पहचान होगी। If hypostome and basal disc tissue are transplanted together, only the weak, if any, induction is seen. बहुत ही weak type का induction देखने को मिलेगा, या फिर ये भी हो सकता है कि कोई induction देखने को मिले ही ना। और वीक मिलेगा तो या तो बेसल डिस्क वाला मिल सकता है वीक, या तो एपिकल रीजन वाला वीक मिल सकता है। जी बिल्कुल, जो पार्ट आप डाल रहे हैं वही प्लॉट डोमिनेट कर जाएगा। इससे कंक्लूजन क्या निकला, यहाँ पे हम पढ़ रहे थे ग्राफ्टिंग एक्सपेरिमेंट विच इज डेमोन्स्ट्रेटिंग द डिफरेंट मॉर्फोजेनेटिक कैपेबिलिटी इन डिफरेंट रीजन ऑफ हाइड्रा एपिकल बेसल एक्सिस। इससे कंक्लूजन हमारे सामने क्या आया, दीज एक्सपेरिमेंट हैव बीन इंटरप्रिटेटेड इंडिकेट्स द एग्जिस्टेंस ऑफ हेड एक्टिवेशन ग्रेडियंट। बोला गया कि कोई हेड एक्टिवेशन ग्रेडियंट है जो कि हाईएस्ट अमाउंट में हाइपोस्टोम में पाया जाता है। हेड एक्टिवेशन ग्रेडियंट यानी किसी चीज का ग्रेडियंट जो कि हेड सेक्शन बनाने में मदद करता है, और फुट एक्टिवेशन ग्रेडियंट जो है वो हाई अमाउंट में बेसल डिस्क में पाया जाता है।
The higher the level of head activator in the donor tissue, the greater the percentage of implant that will induce the formation of new head. And the head activation factor is concentrated in hypostome and decreases linearly toward the basal disc. यानी जिस चीज को आप ट्रांसप्लांट कर रहे हो वो अपना हाईएस्ट कंसेंट्रेशन वहां पे लेकर जा रहा है और वो वही फिनोटाइप बनाएगा. इसलिए जब आपने हाइपोस्टोम ट्रांसप्लांट किया तो हाइपोस्टोम वाला पार्ट डोमिनेट किया, जब आपने बेसल डिस्क वाला किया तो बेसल डिस्क वाला पार्ट वहां पे डोमिनेट किया. तो जो चीज आप वहां पे डालोगे वही अपना ग्रेडियंट ज्यादा बनाएगी. और देखा गया कि हाइपोस्टोम जो है ये मेनली हेड सेक्शन में एक्टिवेटेड रहता है, वहां पे मेनली हेड एक्टिवेशन ग्रेडियंट आपको देखने को मिलेगा. और जिस तरीके से आप नीचे की तरफ आते रहोगे वो हाइपोस्टोम का कंसंट्रेशन कम होता रहेगा. यानी बेसल डिस्क की तरफ अगर आप मूव करोगे तो हाइपोस्टोम का कंसंट्रेशन कम हो जाएगा और हाइपोस्टोम में पाए जाने वाले जो हेड एक्टिवेशन ग्रेडियंट है उनका कंसंट्रेशन भी कम होता रहेगा टूवर्ड द बेसल डिस्क. इसीलिए हेड आपको यही मिला, टेल आपको यही मिला, क्योंकि हेड बनाने वाले फैक्टर नीचे की तरफ जाते वक्त डिक्रीज हो जाएंगे, इसलिए वहां पे हेड आपको नॉर्मल केस में नहीं मिलता है, वाइल्ड टाइप केस में नहीं मिलता. ब्रेक चाहिए? ठीक है ले लीजिए. हम हाइपोस्टोम की कहानी शुरू करेंगे. कितना है ये? आज ये मॉर्फोलेक्सिस तो कंप्लीट हो जाएगा होपफुली. सबसे ज्यादा लंबा ना एपिमॉर्फोसिस है, बहुत ही लंबा है. पोलैरिटी चेंज हो रहा मतलब कौन सी चीज बाहर की तरफ दिखेगी. सेकेंड एक्सपेरिमेंट में पोलैरिटी चेंज हो रही है क्योंकि बाहर की तरफ हमको बेसल डिस्क दिख रहा है, अंदर की तरफ एपिकल दिख रहा है. और पहले वाले एक्सपेरिमेंट में बाहर की तरफ एपिकल यानी हेड वाला सेक्शन था और दूसरी तरफ बेसल सेक्शन था, इसलिए पहले वाले के कंपैरिजन में पोलैरिटी चेंज हो जा रही है. यानी यहाँ पर हेड है और यहाँ पर फुट है, इसीलिए पोलैरिटी चेंज हो गई है. अभी काफी चैप्टर है जी प्रीति, वो भी एक रीजनरेशन का ही पार्ट है बट उसमें थोड़ा सा चीजें थोड़ा अलग चलती हैं. स्टेम सेल तो खत्म हो गया उस्मान, स्टेम सेल तो कब का खत्म हो गया? हम ये सेकंड टाइप पढ़ रहे हैं. पहला टाइप हमारा था स्टेम सेल मीडिएटेड रीजनरेशन जो कि हम डन कर चुके हैं, अभी हम मॉर्फोलेक्सिस पे चल रहे हैं. ये खत्म हुआ हमारा स्टेम सेल मीडिएटेड, हम सेकंड रीजनरेशन चल रहे हैं, दैट इज मॉर्फोलेक्सिस.
ये चैप्टर कल खत्म हो जाएगा। हाँ जी होता है लीवर नहीं जनरेट। हाँ जी अनामिका जी शिफ्ट हो गए फाइनली। चलिए शुरू करें जी। इसके बाद ड्रॉसोफिला वाला भी टॉपिक लेंदी होगा, 3-4 दिन वो भी चलेगा। सी आर्चिन का भी सेम केस है, फ्रॉग भी सेम। हर एक मॉडल ऑर्गेनिज्म जो हम लेंगे वो 3 से 4 दिन चलेगा, उसका कुछ कर नहीं सकते। ओके चलो शुरू करते हैं। फाइन मॉर्फल एक्सरसाइज खत्म करना है किसी कुछ भी करके। ओके चलिए तो अब हाइपोस्टोम के बारे में समझते हैं। ये जो हमने हाइपोस्टोम वर्ड देखा इसका मतलब क्या होता है। हाइपोस्टोम को एक ऑर्गेनाइजर कहा गया। ऑर्गेनाइजर यानी जो बॉडी एक्सिस को ऑर्गेनाइज कर दे, ठीक है, तो उसे हम ऑर्गेनाइजर कहते हैं। तो हाइपोस्टोम जो है हमने कहा कि ये एक ऑर्गेनाइजर की तरह काम करता है हाइड्रा के लिए। इससे हमें ये पता चला, कुछ यहाँ पे चीजें डेमोन्स्ट्रेट की गई हाइपोस्टोम पे काम करके। क्या पहला क्या था, When transplanted, the hypostome can induce host tissue to form secondary axis. यानी जब हाइपोस्टोम को आप किसी और जगह ट्रांसप्लांट करो तो वहां पे एक नया बॉडी एक्सिस बना सकता है हाइपोस्टोम। ये बात किससे पता चली, ट्रांसप्लांटेशन के थ्रू पता चली। तो यस, यानी हाइपोस्टोम कैन इंड्यूस अ न्यू बॉडी एक्सिस, यस बिल्कुल कर सकता है। अभी अभी हमने एक्सपेरिमेंट के थ्रू देखा है। अगला देखते हैं, हाइपोस्टोम टिश्यू जो है ये हेड एक्टिवेशन सिग्नल प्रोड्यूस करते हैं, यानी जो हेड बना सके। हमने भी देखा कि हेड एक्टिवेशन ग्रेडियंट जो है कुछ ना कुछ रहता है, कंक्लूजन में हमको पता चला, ठीक है। हाइपोस्टोम इज द ओनली सेल्फ डिफरेंशिएटिंग रीजन ऑफ हाइड्रा, और हाइपोस्टोम जो है सेल्फ डिफरेंशिएटिंग है, यानी खुद ही डिफरेंशिएट होता है वो फंक्शनल रीजन बनने के लिए। एंड द हाइपोस्टोम ऑल्सो प्रोड्यूस हेड इनहिबिशन ग्रेडियंट दैट सप्रेस द फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनाइजिंग सेंटर। इतना ही नहीं, हाइपोस्टोम जो है कुछ ऐसे भी फैक्टर सिक्रीट करता है जिसकी वजह से मल्टीपल हेड ना बने हाइड्रा में, एक ही हेड बने। यानी एक हेड बन गया उसके बाद वो हेड इनहिबिशन सिग्नल शुरू कर देता है ताकि एक और हाइपोस्टोम ना बन जाए, एक और हाइपोस्टोम टिश्यू ना बन जाए और एक और हेड जो है वहीं से बनना ना शुरू हो जाए। तो ये कुछ 4 मेन जो है एक तरीके से आप कह सकते हो रोल है हाइपोस्टोम का जो वो करता है। ओके तो यहां पे भी क्या होता है, यहां पे भी किसका रोल है, यहां पे भी रोल है डब्ल्यूएनटी का जी। एनिमल फिजियोलॉजी में रिप्रोडक्शन वाला टॉपिक है बट वहां पे आप एनाटॉमिकली पढ़ोगे, ठीक है, वहां पे आप गैमेटोजेनेसिस डिटेल में पढ़ोगे, वो सब जो चीज वहां पढ़ोगे वो चीज इधर पढ़ने को कुछ खास नहीं मिलेगी, और जो चीज यहाँ पढ़ोगे वो एनिमल फिजियोलॉजी में पढ़ने को नहीं मिलेगी, क्योंकि एनिमल फिजियोलॉजी एनाटॉमिकल लेवल पे डील होती है, ठीक है, कैसे हो रहा है उस पर डील होती है एनिमल फिजियोलॉजी। एंड डेप बायो इज ऑल अबाउट कि हमने इसमें जेनेटिक्स और मैकेनिज्म मिक्स कर दिया है, यानी जीन रिलेटेड स्टडी होती है डेप बायो में। डेवलपमेंट को हम एनाटॉमिकली नहीं पढ़ रहे हैं, हम जीन लेवल पे पढ़ रहे हैं कि कौन कौन से जीन और वो कैसे काम कर रहे हैं, इनहिबिशन एंड एक्टिवेशन म्यूटेशन इन सब पे काम कर रहे हैं, तो थोड़ा डिफरेंस आ जाता है। तो WNT3 जैसे मैंने कहा था पीछा छोड़ेगा नहीं, WNT3 जो है यहाँ पे इंड्यूसर की तरह काम करता है। तो देखिए कैसे काम कर रहा है, द मेजर हेड इंड्यूसर ऑफ हाइपोस्टोम ऑर्गेनाइजर इज अ सेट ऑफ WNT प्रोटीन एक्टिंग थ्रू द कैनोनिकल बीटा कैट पाथवे। हेड बनाने के लिए WNT काम करता है, बीटा कैट को एक्यूमुलेट करवाता है, एक्टिवेट करवाता है, और ये सिग्नलिंग मिलके जो है हेड बनाने का काम करती है हाइड्रा में। अगर हाइड्रा में हेड बन रहा है तो समझ लीजिए WNT वहां पे प्रॉपर ढंग से काम कर रहा है। इसलिए WNT प्रोटीन को जो है एपिकल एंड में देखा गया है अर्ली बर्ड के, डिफाइनिंग द हाइपोस्टोम रीजन एज द बर्ड इलोंगेटेड। तो जहां पे हाइपोस्टोम एक्सप्रेस होता है उसी एरिया में जो है WNT को देखा गया। इफ द WNT सिग्नलिंग इनहिबिटर GSK3 इज इटसेल्फ इनहिबिटेड थ्रू आउट द बॉडी एक्सेस, ध्यान से सुनिएगा ये क्या बोला है,
बोला है कि इफ द डब्ल्यू एन टी सिग्नलिंग इनहिबिटर, आपको पता होगा डब्ल्यू एन टी सिग्नलिंग का इनहिबिटर कौन है, GSK3। GSK3 और बीटा कैट में कट्टर दुश्मनी है। अगर आपने GSK3 इनहिबिटर को थ्रू आउट द बॉडी एक्सेस जो है वो इनहिबिट कर दिया, यानी पूरे हाइड्रा के बॉडी एक्सेस में आपने GSK3 को इनहिबिट कर दिया, तब क्या होगा? देन यू आर गोइंग टू गेट एक्टोपिक टेंटिकल्स फ्रॉम एट ऑल लेवल and each piece of trunk has the ability to stimulate the outgrowth of new bud. तब आपको पूरी ही body axis पे tentacles, यानी जो head area में जो hair like projection थे वो tentacles देखने को मिलेंगे. In fact, हर एक body के trunk region से, जो बीच वाला हिस्सा होता है उस region से एक नए bird को form होने के chances मिलते रहेंगे. नया bird यानी एक नया baby hydra. ये कब होगा? जब आपने GSK3 को पूरा हाइड्रा से ही इनहिबिट कर दिया है. ठीक है, अब आप खुद सोचिए, एक चीज मैं आपको यहां बताती हूं. हाइड्रा बनेगा क्या उनसे, पता नहीं, चलो बना के देखते हैं. ठीक है, इमेजिन कर लो यही हाइड्रा, ये है हेड सेक्शन, ये है बेसल डिस्क फुट. तो हमने कहा कि इसके हेड सेक्शन में जो है हाइपोस्टोम पाया जाएगा. ठीक है, जो कि हेड को ऑर्गेनाइज करता है, और हेंस इसी एरिया में डब्ल्यू एन टी बीटा कैट भी पाया जाएगा, विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर हेड. लेकिन ये भी तो सोचिए कि इस सेक्शन में हेड क्यों नहीं बन रहा है, इस सेक्शन में हमको फूट मिल रहा है बट नो हेड. जहां जहां पे हमको हेड नहीं मिल रहा है वहां पे क्या रीजन हो सकता है? वहां पे जहां जहां पे हेड नहीं है, जहां पे हेड नहीं है वहां पे मोस्ट प्रोबेबली GSK3 प्रेजेंट है. ठीक है, एंड दिस GSK3 इज इनहिबिटिंग बीटा कैट एट दैट लोकेशन, एंड इफ देर इज अ इनहिबिशन ऑफ बीटा कैट देर इज अ इनहिबिशन ऑफ हेड फॉर्मेशन. तो म्यूटेशन केस में क्या कहा है कि अगर आप ये पूरे बॉडी एक्सेस से GSK3 को हटा दो तो क्या हो जाएगा, सारे बॉडी एक्सेस में बीटा कैट एक्सप्रेस हो जाएगा, और अगर सारे बॉडी एक्सेस में बीटा कैट एक्सप्रेस हो जाएगा तब क्या होगा, तब आपको देखने को मिलेगा कि लगभग सारा का सारा जो पोर्शन है वो हेड लाइक स्ट्रक्चर शो कर रहा है, पूरा का पूरा बॉडी एक्सेस यानी पूरे बॉडी एक्सेस में टेंटिकल्स बन जाएंगे, और जो ट्रंक एरिया होगा यानी जो ये वाला एरिया होगा यहां से और नए बेबी हाइड्रा जो है वो बर्ड आउट होने लगेंगे. ये कब बोला जा रहा है, जब आप GSK3 को जो है पूरे बॉडी एक्सेस से एक तरीके से इनहिबिट कर दोगे तब. ठीक है, क्लियर? खजूर का पेड़ लग रहा है, खजूर के पेड़ पर चढ़ा देना है मैंने अभी. नेक्स्ट देखिए, एक और एक्सपेरिमेंट देखा गया. सिमिलरली ट्रांसजेनिक हाइड्रा एक देखा गया, बनाया गया, जिसमें क्या किया गया, ग्लोबली मिस एक्सप्रेस द डाउनस्ट्रीम डब्ल्यू एन टी एफेक्टर बीटा कैट. इसमें क्या किया गया, डब्ल्यू एन टी एफेक्टर बीटा कैट यानी बीटा कैट को जो है मिस एक्सप्रेस करवा दिया गया, यानी वो सही तरीके से यहाँ एक्सप्रेस नहीं कर रहा है, जैसा वाइल्ड टाइप में करता है वैसा नहीं कर रहा. जब मिस एक्सप्रेस करवाया गया बीटा कैट को, यानी वहां भी एक्सप्रेस करवा दिया गया जहां इसको नहीं होना चाहिए, तब क्या देखने को मिला, एक्टोपिक बर्ड्स बन गए अलोंग द बॉडी एक्सिस इवन ऑन द टॉप ऑफ द न्यूली फॉर्म्ड एक्टोपिक बर्ड्स. दोनों के रिजल्ट में देखिए डिफरेंस है, मिक्स करेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा. जब GSK3 को इनहिबिट किया गया उस टाइम पे क्या हुआ, एक्टोपिक टेंटिकल्स बने, यानी ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर थे वो अनवांटेडली एबनॉर्मली बहुत सारे बन गए, सारे ही लेवल पे.
और हर एक बॉडी में जो ट्रंक एरिया था वो एरिया में जो है नया न्यू बर्ड फॉर्म होने लगा। ये कब हुआ? जब GSK3 को इनहिबिट किया गया था पूरे बॉडी एक्सेस के दौरान। लेकिन लेकिन क्या देखा गया, लेकिन अगर आप बीटा कैट को मिस एक्सप्रेस कर देते हो, यानी वहां भी एक्सप्रेस करवा दे रहे हो जहां पे ये इसको नहीं होना चाहिए, उस टाइम पे क्या हो रहा है, उस टाइम पे एक्टोपिक बर्ड फॉर्म हो रहा है, यानी नए नए बेबी हाइड्रा बहुत सारे फॉर्म हो रहे हैं। जबकि GSK3 को इनहिबिट करने में हमें एक्टोपिक टेंटिकल्स मिल रहे थे। बहुत माइन्यूट माइन्यूट सा डिफरेंस है, बट यही डिफरेंस आपके क्वेश्चन को सही करवाएगा या तो गलत करवाएगा। तो मिस एक्सप्रेस जब हो रहा है बीटा कैट, तो उस टाइम पे हमको एक्टोपिक बर्ड्स मिल रहे हैं ऑल अलोंग द बॉडी एक्सेस। इवन जो नया बर्ड बेबी बर्ड बना है ना, वो भी बेबी बर्ड कैसा, एक्टोपिक है, एबनॉर्मल है। जो नया बेबी बर्ड बर्ड वहां पे बना है, उस बेबी बर्ड पे भी और नए बर्ड्स बन जा रहे हैं, यानी और नए बेबी हाइड्रा बन जा रहे हैं। तो ये कैसा दिखेगा, ये देखिए, ये ग्रीन पिक्चर आप देख रहे हैं, ये देखिए, इसी को तो बोला गया है बीटा कैट का मिस एक्सप्रेशन किया गया। तो आपको देखिए ये फिनोटाइप कैसा मिल रहा है, ऐसा कुछ मिलेगा। ये है म्यूटेशन केस। ठीक है, तो GSK3 को इनहिबिट करने में आपको यहां पे मिल रहा है दैट इज एक्टोपिक टेंटिकल्स। ठीक है, लेकिन यहां पे बीटा कैट के मिस एक्सप्रेस होने पे मिल रहा है आपको एक्टोपिक बर्ड। आगे देखते हैं, यहां पे आप देख सकते हैं जो ब्राउन वाला एरिया है ना, ये ब्राउन वाला एरिया में जो है WNT एक्सप्रेस हो रहा है, उसका एक्सप्रेशन दिखाया गया। तो आप समझ सकते हैं कि एक्चुअल में हाइड्रा के केस में जो है WNT कहां पे एक्सप्रेस करता है, हेड सेक्शन में एक्सप्रेस करता है। ओके, व्हेन द हाइपोस्टोम इज ब्रॉट इनटू द कॉन्टैक्ट विद द ट्रंक ऑफ एन एडल्ट हाइड्रा, इट इंड्यूसेस द एक्सप्रेशन ऑफ ब्रूचरी जीन इन द WNT डिपेंडेंट मैनर जस्ट एज द वर्टिब्रेट ऑर्गेनाइजर डू इवन दो द हाइड्रा लैक द मेसोडॉन। So these results strongly indicate that the WNT protein in a particular WNT3 function as a head organizer during the normal hydra development. So WNT3 को क्या बोल दिया गया भाई, WNT3 को जो है hypostome को हम head organizer बोल रहे थे, लेकिन hypostome में भी कौन सा part है जो head organizer की तरह काम कर रहा था, that is WNT3 काम कर रहा था। ठीक है, तो इसीलिए जो है अगर आप if GSK3 inhibited along body axis, आपको मिलेगा tentacles, and if beta cat mis express, you are going to get thick birds. और दोनों के एक्सप्रेशन में क्या डिफरेंस था, दोनों के एक्सप्रेशन में ये डिफरेंस था कि यहां से ट्रंक से भी जो है नए बर्ड बन रहे थे, और यहाँ पे न्यूली फॉर्म बर्ड के ऊपर भी और बर्ड बन रहे थे जो कि एकदम क्या थे, एबनॉर्मल थे। और इतना ही नहीं, जब हाइपोस्टोम को ग्राफ्ट किया गया ना नए एरिया में, जो अभी अभी हमने एक्सपेरिमेंट पढ़ा था, तो देखा गया कि हाइपोस्टोम जो है ब्रूचरी जीन का भी मतलब एक्सप्रेशन करवाता है WNT डिपेंडेंट मैनर में, यानी WNT पाथवे को चला के ब्रूचरी जीन का एक्सप्रेशन करवाता है, वो जीन भी हेड को ऑर्गेनाइज करने में अपना रोल प्ले करता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रहा WNT3 का नॉर्मल एक्सप्रेशन, ठीक है, और ये बी वाला है ट्रांसजेनिक हाइड्रा मेड टू मिस एक्सप्रेस बीटा कैट हैव न्यूमरस एक्टोपिक बर्ड इंक्लूडिंग द बर्ड फॉर्म्ड ऑन द टॉप ऑफ द अदर बर्ड सच एज एग्जांपल मार्क्ड विद द एरो। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है, लेटेस्ट रिसर्च के अकॉर्डिंग पता चला है, जैसे अभी हमने कहा कि हाइड्रा में जो है तीनों टाइप के रीजनरेशन देखे जाते हैं, दैट इज स्टेम सेल मीडिएटेड मॉर्फोलेक्टिक एपिमॉर्फोसिस। तो लेटेस्ट रिसर्च के अकॉर्डिंग पता चला है कि अगर आप हाइड्रा को जो है उसके जस्ट हेड के नीचे कट करते हो कहीं यहाँ पे, ठीक है, तो अक्सर जो रीजनरेशन आपको देखने को मिलेगा वो होगा मॉर्फोलेक्टिक रीजनरेशन। और अगर आप उसको बिल्कुल बीच से काटते हो
तो चांसेस हैं कि आपको एपिमॉर्फोसिस रीजनरेशन देखने को मिलेगा, ठीक है। फिर भी जो है, अगर आपको डिटेल पढ़ना हो, उतना डिटेल में तो और जाने का जरूरत नहीं है, फिर भी आपको डिटेल अगर पढ़ना हो तो गिलबर्ट से आप थोड़े से और डिटेल पढ़ सकते हैं, बट तो मुझे नहीं लगता उसकी जरूरत पड़ेगी, इतना जितना हम इंफॉर्मेशन ले रहे हैं उतना ही सही ना। फिर भी मैंने यहाँ पे बता के रखा है मॉर्फोलेक्सिस एंड एपिमॉर्फोसिस को थोड़ा सा डिफाइन करके रखा है, ये एक्स्ट्रा पोर्शन है, आप इसको एक बार प्लीज गो थ्रू कर लीजिएगा, कहीं दिक्कत आती है तो पूछ लीजिएगा, ये सब एक्स्ट्रा पोर्शन का पार्ट है। ओके, अब एक म्यूटेंट आता है जिसे हम बोलते हैं L4 म्यूटेंट, ठीक है। ये L4 म्यूटेंट क्या होता है, देखिए, सर्टेन हाइड्रा म्यूटेंट हैव डिफेक्ट इन देयर एबिलिटी टू फॉर्म बर्ड। कुछ हाइड्रा ऐसे होते हैं जिनमें की बर्ड्स बनाने की कैपेबिलिटी नहीं होती, बर्ड यानी बेबी बर्ड, बेबी हाइड्रा, एंड दीज डिफेक्ट कैन बी एक्सप्लेन बाई अल्टरेशन ऑफ द इनहिबिशन ग्रेडियंट। द L4 म्यूटेंट ऑफ हाइड्रा फॉर्म बर्ड वेरी स्लोली। ये जो L4 म्यूटेंट जिसको नाम दिया गया है, इसमें जो बर्ड बनते हैं वो बहुत ही स्लोली बनते हैं, एंड डज सो ओनली आफ्टर रीचिंग अ साइज अबाउट ट्वाइस एज लॉन्ग एज वाइल्ड टाइप इंडिविजुअल। ये एक वाइल्ड टाइप इंडिविजुअल है, ठीक है, इसमें जो बर्ड बनेगा ये इतनी हाइट पे ही देखिए एक बेबी हाइड्रा बनाने लगा है, लेकिन जो L4 म्यूटेंट होगा वो क्या होगा, वो वाइल्ड टाइप के कंपेरिजन में डबल हो जाएगा साइज में पैर, उसके बाद वो बर्ड बनाएगा, यानी उसका बर्ड फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है वो थोड़ा स्लो होता है। द अमाउंट ऑफ हेड इनहिबिटर इन दीज म्यूटेंट वॉज फाउंड टू बी मच ग्रेटर देन इन द वाइल्ड टाइप इंडिविजुअल। और ऑल्सो इसमें ये भी देखा गया है कि इसमें जो हेड इनहिबिटर ग्रेडियंट होते हैं उसका अमाउंट इन L4 म्यूटेंट में काफी ज्यादा होता है कंपेयर टू द वाइल्ड टाइप, एंड दैट इज वाई इनमें जो प्रोसेस होता है बर्ड डेवलपमेंट का वो थोड़ा स्लो चलता है।